जय हिंद दोस्तों। एंड यार रिजल्ट आ चुका है एंड ये जो कट ऑफ गया है वो भी बहुत मतलब हाई गया है यार। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं याला नहीं है। D43 में बताऊं तो ये रहा 291 गया है, सबसे कम कट ऑफ UR के लिए 291.80028, जो कि बहुत ज़्यादा हाई, इतना एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था। एंड उसके बाद अगर OBC की बात की जाए सबसे कम, तो वो गया है 285, 285.77343। बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है ये भी, बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद अपन बात करें SC के लिए, तो ये गया है 258 एंड ST के लिए गया है 238। तो मतलब ST और SC के लिए तो मतलब काफी कम गया है वैसे, बट मतलब यार मैं कुछ कहने का नहीं बचा, क्योंकि कुछ कहने को नहीं बचा है, एकदम सब खत्म सा हो गया। मतलब क्या बोलूं मैं, अब बस इरा कट ऑफ सामने तुम्हारे, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा गया है, बहुत ज्यादा। अब पता नहीं इसमें क्या जो भी है, लेकिन मुझे तो रोना आ रहा है यार। मतलब मैं रात को, मतलब रात को सो नहीं पाया एंड अच्छे से नींद भी नहीं लगी मेरी लेकिन यही कट ऑफ है। उसके बाद अपन देखें कि भैया जो सबसे पहली रैंक किसकी लगी है, तो पहली जो, अच्छा यहाँ से हटा दें इसको पहले। मैं एमईए वालों को देख रहा था कि एमईए वालों को कहाँ कहाँ तक मिली है भाई। अरे यार क्या हो रहा है ये, चलना भाई बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाँ सबसे पहले एक रैंक वाला देख लेते हैं अपन, जो एक रैंक किसकी लगी है। सबसे पहले एक रैंक वाले को देखेंगे भाई अपन। एंड मैं जब तक ये ढूंढा, मैं ये बोलना चाहूँ भाई जिसका भी हो गया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार तुम लोगों को। एंड जो पहली रैंक लगी है उसने लिया है अपना इनकम टैक्स B15 में, एंड ये है मोहित चौधरी। वाह यार मतलब काफ़ी अच्छी रैंक आई है, UR से हैं एंड भाई मतलब बहुत अच्छी रैंक लगी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट यार मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 36,000 में नहीं हो पा रहा तो भाई अगली बार 7,000 वैकेंसी है। एंड क्या बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। एंड अच्छी बात है मतलब। एंड अब देखें कि भाई 7,000वीं रैंक पे किसने क्या पोस्ट ली है, तो 7,000वीं रैंक पे अपन देख लें जो कि इस बार एक्चुअल वैकेंसी है 7,000। तो कितना अपन को कट ऑफ कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ गए भैया, नहीं आ रहा क्या? अच्छा रुको, ऐसे नहीं आएगा, अब आएगा। ओ क्या बोले यार, ये रहा एक का एक मिल गया, इसको D61 मिली है, D61 मिली है 7,000 पे। D61 किसकी थी भैया, कितनी गई है? सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं D61 की, 310। तो तुम्हें भैया इस बार टारगेट रखना है कि 330 या 340 प्लस तो स्कोर करना ही है, 340 से तुम कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब जो एक्सपेक्टेड, अगर तुम्हें आगे के लिए कुछ करना है तो भाई कुछ नहीं कह सकते भाई, सब कुछ मतलब जो भी हुआ है, लेकिन 340 इतना स्कोर तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, मतलब इतना स्कोर तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। एंड अब अगर SSC की वेबसाइट पे देख लें, हाँ लेकिन मैं ये बता दूं कि ये सबसे अच्छी बात ये है कि भाई दिसंबर में पेपर हुए, मार्च में Tier 1, मतलब मार्च में Tier 2 हो गया एंड 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया, 2 महीने बाद तुरंत रिजल्ट आ गया। 2 महीने बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है भाई, ठीक है। 13/5/23 से एक और रिवाइज वैकेंसी आई है क्या? एक और रिवाइज वैकेंसी, अच्छा ये 13 को आई है एंड एक और बात तो आई थी अभी रिवाइज वैकेंसी यार, क्या हो रहा है? 13 मई को ही आ गया रिजल्ट, रिवाइज्ड वैकेंसी अभी कुछ टाइम पहले भी तो आई थी शायद, 11 तारीख को आई थी, 11 तारीख को हटा दी गया वैकेंसी। खैर जो भी है, मेरे हिसाब से पहले आई थी लेकिन उन्होंने हटा दी लगता है ये। रिवाइज्ड वैकेंसी 11 तारीख को आई थी, 2 दिन के अंदर रिजल्ट दिए। सबसे अच्छी बात ये कि भाई अभी बहुत तेज काम कर रहा है, तो तुम लोग शुरू कर दो, अभी भी वक्त है, 2 महीने से ज़्यादा है Tier 1 में। एंड उसके बाद 3 महीने या 2 महीने तो कम से कम, 2 महीने कम से कम मिलेंगे तुम्हें Tier 2 के लिए, तो 4 महीने हैं। झोंक दो पूरी जान यार, क्योंकि भाई मेरे तो 278 पे नहीं हो पाया एंड मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं जो 2-3 क्वेश्चन में गलत करके आया ना, वो पता नहीं यार, रोने का बहुत मन करता है यार, रोने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या बोलूं मैं, बात ठीक है यार, बस आज के लिए मिलते ही यार, कुछ नहीं।
जो भी नॉलेज में अच्छा हुआ है कुछ मिशन मेरे भी एक आध दोस्तों को हुआ है उनसे पार्टी लेना तो पार्टी लेंगे अभी अगली वीडियो में। जय हिंद।